प्रदेश में भाजपा मिशन 2024 के लिए जुट गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं यूपी कांग्रेस अब तक अपना अध्यक्ष तक भी नहीं तलाश पाई है। पिछले 100 दिनों से पार्टी बिना अध्यक्ष के है, तो वहीं पार्टी में अंदरूनी कलह भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अजय लल्लू ने 16 मार्च को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी यूपी से दूरी बना ली है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के साथ ही पंजाब और उत्तराखंड में भी इस्तीफे हुए थे, लेकिन यहां नए अध्यक्ष नियुक्ति कर दिए गए हैं। तो वहीं यूपी में पिछले 3 दशकों से हार का मुंह देख रही कांग्रेस के सामने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मजबूत और भरोसेमंद चेहरे की तलाश है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जनाधार वाले नेता जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कई प्रोग्राम किए हैं, लेकिन वे सफल नहीं रही। अब प्रियंका गांधी ने भी यूपी से लगता है कि दूरी बना ली है। ऐसे में लगातार हार और प्रियंका गांधी की बेरुखी पार्टी के अंदर की बातें बाहर आने लगी है। वहीं कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ को निकाला जा चुका है, जो बचे हैं वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।